तो टॉपिक का नाम है एरर्स एंड एनालिसिस। नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं कुछ कैलकुलेशन में, फिजिक्स में एरर्स आने वाले हैं, और उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैलकुलेशन में एरर्स को कैसे कम किया जा सकता है, या उन एरर्स का करना क्या है, उनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है। अब एरर होता क्या है? एरर है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। भाई एरर आया कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, एरर कैसे आ गया भाई? सपोज आप एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब थी ग्लास की, उसमें पानी था, पंखा तेज चल रहा था, पानी वाइब्रेट कर रहा था, हिल रहा था, और जो है आपको टीचर ने कहा कि उसकी ना रीडिंग लेके आओ, पानी ट्यूब में कितने सेंटीमीटर ऊपर है। आप गए, रीडिंग आई 6 सेंटीमीटर। आपने टीचर को कहा 6 सेंटीमीटर। टीचर ने कहा नहीं नहीं तो एक काम कर, तू फिर से एक बार रीडिंग चार्ट बना, एक बार फिर से रीडिंग लेके आ। और जब आप नेक्स्ट टाइम गए तो रीडिंग आई 5.9 सेंटीमीटर। आपको नहीं समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? टीचर के पास कहा कि टीचर रीडिंग चेंज हो गई, 6 की जगह 5.9 हो गई। वो कहेगा फिर से लेके आ, क्योंकि अब कन्फ्यूजन हो गई ना, तो इस बार रीडिंग फिर से 6 आ गई। टीचर ने कहा फिर से लेके आ, 6.1 हो गई। पानी वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है हवा से या पता नहीं किस चीज़ से, हल्का हल्का हिलता है। और जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो आप एक्यूरेट रीडिंग कभी ले पाओगे ही नहीं, कभी भी, कभी ना कभी चेंजेस आएंगे। अपना वेट तोल के देख लो, डिजिटल मशीन पे तोल के देख लो, या सुई वाली मशीन पे तोल के, हल्का सा हिलोगे वेट चेंज हो जाएगा। चाहे पॉइंट्स में चेंज हो, हल्का सा हिलोगे फिर वेट चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्चुएशन तो है ही है हर चीज़ में। आप वोल्टेज मेजर करके देख लो, जो अपने घरों में आ रही है, आपके एसी के आगे स्टेबलाइजर लगे होते हैं, वोल्टेज 220, 224, 230, सीधा 180 कैसे फ्लक्चुएट होती है, फिर भी एसी चलता है। तो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी कि कैलकुलेशंस चेंज होती रहती हैं। अच्छा चलो, किसने कहा कि चलो ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, 6 सेंटीमीटर की रीडिंग तो 5.9 कैसे आ गई? चलो मान लो मेरे चश्मे का नंबर ही ठीक नहीं है, या मेरा ध्यान ही नहीं है, मैंने कहा छोड़ यार कितनी बड़ी रीडिंग है यहाँ पर, मेरी रीडिंग की क्या अहमियत है, बोल देंगे कुछ भी, 6 है, और 6 है, 6 ऐसे करते हैं बच्चे, 6 लग रहा है यार, 6 बोल दे। अब ध्यान से देखा तो 5.9 आ रही है, ध्यान नहीं है मेरा, चलो ऐसे लगा लो, गलती तो हो गई ना। आप ये मत देखो कि गलती क्यों हुई, किसको पकड़े, आप ये देखो कि गलती होना एक कॉमन बात है। तो एरर है क्या? एरर है कि करेक्ट रीडिंग आनी चाहिए थी 6, आपने मेजर की 6.1, तो कितने का एरर आपने लिया, 0.1। तो रीडिंग आनी चाहिए थी, मेजर्ड वैल्यू थी 2.1, ट्रू वैल्यू क्या थी, 2, तो एरर कितने का है, 0.1। ठीक हो गया। अब एरर का मतलब क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब एरर कितने टाइप्स के हैं? पहले टाइप का एरर है कांस्टेंट एरर। मान लो एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन की जो सुई है वो 0 पे होती है, पर मेरी वेइंग मशीन की सुई 5 से स्टार्ट होती है। मैंने देखा ही नहीं कि 5 से स्टार्ट हो रही है, चढ़ गया वेट मेजर करने। अब जिस बंदे का 60 वेट है उसका कितना आएगा, 65, 70 वाले का 75, 80 वाले का 85, कॉन्स्टेंट एरर आ रहा है कितना, 5 का। तो इस टाइप के एरर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, जो बार बार एक ही वैल्यू के साथ रिपीट हो रहा है। सेकेंड टाइप का एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। भाई आपकी मशीन ही खराब है, थर्मोमीटर ही खराब है, आप क्या मेजर करोगे टेम्परेचर सही? जब मशीनें ठीक नहीं काम करेंगी तो कैलकुलेशन तो गलत आएंगी ही आएंगी। तो मशीन की गलती की वजह से एरर को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तीसरा एरर है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर है बायसिंग करना, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, इंडिविजुअल केयरलेसनेस। भी टीचर ने कहा सेटअप कर, ध्यान है नहीं काम में, सेटअप क्या करना, कर लो यार जैसे भी करना है, लगा दो उल्टी सी, जो जो तारे लगा दिया लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? तो रीडिंग तो गलत आएगी ना जब तारें गलत लगी हुई हैं, सेटअप ठीक नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं है, ध्यान मेरा बातों में है। उसने कहा रीडिंग लो, रीडिंग इससे लेनी है, ऐसे दूर से 6 लग रही है, 6 बोल दो, बात खत्म। या चश्मे का नंबर ही चेंज हो गया, पता ही नहीं मुझे कि चश्मा लगने वाला है, और देखा पास की जगह खराब है तो रीडिंग 6 की जगह 6.1 आ रही है। ये मेरी पर्सनल गलती है, मेरी गलती है जिससे एरर आ रहा है, पर एरर तो फिर भी आ रहा है, चाहे मशीन खराब हो चाहे मेरी गलती हो, एरर होने का ये भी रीजन है। अब नेक्स्ट टाइप का एरर है एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन में भगवान भरोसे है काम, ना मशीन खराब है ना मैं खराब हूं, फिर भी एरर आ जाता है। जैसे आपको आज कहा कि जाओ दोपहर को 2 बजे दिल्ली का टेम्परेचर मेजर करके आओ कितना है। दिल्ली में टेम्परेचर बहुत तेज़ है, इस टाइम 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है आजकल, तो
तो आप एयरपोर्ट पे उतरे, बाई चांस क्या हुआ, उस दिन जबरदस्त बारिश हो गई और हवा चलनी स्टार्ट हो गई। एयरपोर्ट पे उतरे, थर्मोमीटर से आपने देखा, टेम्परेचर मेजर किया, उस दिन 24 आ गया। फिर वापस फ्लाइट में बैठे, वापस आ गए और मुझे बोला कि टेम्परेचर तो 24 है। अब मैं कैसे मानूं 24 है? तो रोज अगर मेजर किया जाए, सुबह शाम मॉनिटरिंग की जाए, तब 40 के आसपास आता है। वो बाई चांस क्या हुआ, जिस दिन आपने मेजर किया, अब बरसात तो आपके हाथ में है नहीं, एक्सटर्नल ऊपर वाले के हाथ में है, तो बस हो गई तो हो गई, टेम्परेचर डिप हो गया। पहाड़ों पे चले गए, प्रेशर गिर गया, कहीं और चले गए, हवा का प्रेशर ज़्यादा हो गया, आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, और इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है, तो कौन सा क्या रीज़न है? एक्सटर्नल रीज़न। अब मान लो आप एक कैलकुलेशन करने गए, जैसे कि सपोज करो एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, वो कहता है जी मेरी शुगर का लेवल जो है ना वो, या मेरा बीपी जो है वो चेक कर दो। अब बीपी चेकिंग कैसी होती है? डॉक्टर बीपी चेक करेगा, भाई आज तो 140 है, वो कभी नहीं कहेगा आपको बीपी की प्रॉब्लम है 140 पे। वो कहेगा एक काम करो, आप ना सुबह शाम अपने बीपी को मॉनिटर करो। वो एक बार में थोड़ा कह देगा आपको बीपी की प्रॉब्लम है, वो कहेगा मॉनिटर करो, हो सकता है सुबह उठ के आपको 130 आता हो और शाम को आपका 120 आता हो, और अगर आपको 120 की रेंज में, 110 की रेंज में चल रहा है, तो वो कहेगा, डॉक्टर कहेगा ठीक है आप मॉनिटर करके एक हफ्ते बाद आना, अगर ऐसे ही 150 से ऊपर चलता रहा तो फिर तो दवाई शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं करनी पड़ेगी। अब बीपी होने का रीज़न क्या है? आप पूछोगे क्या रीज़न है, वो कहेगा जी स्ट्रेस भी हो सकता है। आप सोचोगे स्ट्रेस तो किसी चीज़ का नहीं यार, सारा दिन तो आराम करता हूँ, स्ट्रेस तो है ही नहीं। अच्छा फिर क्या हो सकता है? आप बहुत ज़्यादा हफ्ते हफ्ते गए हैं, एक्सरसाइज करके गए हैं, हो सकता है ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया हो सकता है कोई और रीज़न हो गया हो, कोई चीज़ ऐसी खा ली जिससे बीपी में अफेक्ट आ गया हो। अब डॉक्टर कहेगा मुझे नहीं पता एग्जैक्ट रीज़न क्या है, पर बीपी है, तो उसमें प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्यों प्रॉब्लम है पता नहीं, एक मशीन गलत रीडिंग दे रही है। मशीन ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो किस कैटेगरी का एरर है? रैंडम एरर। तो रैंडम के अंदर इंस्ट्रूमेंट खराब होने का रीज़न हो, मेरे खराब होने का रीज़न हो, एक्सटर्नल रीज़न हो, पता नहीं क्या रीज़न, जब पता ही नहीं है तो कौन सा एरर है? रैंडम एरर है, बोल देंगे रैंडम एरर है। तो जो हमारे एरर्स हैं वो क्यों हुए, हम इस चैप्टर में डील नहीं करेंगे। क्यों हुए बता तो दिया, टाइप ऑफ एरर कि क्यों हो सकते हैं, हम यहाँ डील करेंगे कि चलो कैलकुलेशन में एरर आ गया, अब फिर करूँ क्या ये बताओ, उस एरर का को रिमूव कैसे करूँ, उसको हटाऊँ कैसे, कम कैसे करूँ, ये इस चैप्टर का काम है। ठीक है यहाँ तक? तो ये चैप्टर एक एक्सपेरिमेंट के साथ स्टार्ट है। एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है, क्या एक्सपेरिमेंट करता है? कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है, एक रीडिंग लेता है। चलो जैसे मान लो टेबल की लेंथ मेजर करनी है उसको, तो टीचर ने कहा जा लेंथ मेजर कर किसी चीज की, तो लेंथ आई 2 मीटर। एक रॉड की लेंथ मेजर करनी थी 2 मीटर, अब टीचर ने कहा फिर से मेजर करके आ, रीडिंग 2.1 मीटर। आपको हो गया ऐसे, कैसे रॉड की रीडिंग चेंज हो गई? मान लो धूप में एक्सपेरिमेंट हो रहा था और टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, आपने सुना होगा, 2 की जगह 2.1 हो गया, फिर थोड़ी ठंड पड़ गई 1.9 हो गया, तो यानी कि वो इलास्टिक मटेरियल है जो कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है। तो टीचर ने कहा ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, पर 0.1 कर रहा है। तो टीचर ने कहा रीडिंग लेके आ, आपने कहा 2, फिर से लेके आ 2.1, फिर से लेके आ 2.2, फिर से लेके आ 2, फिर से लेके आ 1.9, फिर से लेके आ 1.8। अब टीचर ने कहा लेंथ बता रॉड की क्या है, तो आप बोलोगे मैं ऐसा है कि पहली बार गया था तो 2, दूसरी बार गया था 2.1, तीसरी बार गया 2.2। वो टीचर कहेगा यार तू तो सारी जिंदगी इसकी रीडिंग लेता रहेगा, तो मैं यहाँ तेरी रीडिंग लेने के लिए बैठा रहूंगा, तो मतलब 100 रीडिंग लेगा तो 100 लेंथ होएंगी, एक लेंथ बोल क्या होगी, एक लेंथ और सही लेंथ बोली हो तो क्या होगा। बेसिक रूल तो ये बोलता है जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वही आंसर है। अगर 2 नंबर, मतलब मैं 100 बार रीडिंग लेता हूँ और 60 बार 2 रीडिंग आ रही है, तो ऑब्वियसली यार 2 रीडिंग ही सही मानी जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप कभी निकाल नहीं पाओगे रीडिंग। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं, जितनी भी रीडिंग लोगे उन सबका एवरेज ले लो, मान लो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 रीडिंग करके आंसर क्या आता है, 2। तो ऐसे केस में आप टीचर को क्या कहोगे, आपकी करेक्ट रीडिंग क्या है रॉड की, 2। क्लियर है? जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा वही एवरेज आ जाएगा, बात खत्म। तो आपकी सही रीडिंग ये ऑब्जर्वेशंस नहीं है, आपकी सही रीडिंग एवरेज वैल्यू है। पहला रूल क्लियर है?
टीचर ने बोला कि यार एक बात बता, तू कुछ गलती भी तो करता होगा, कुछ तो हुई होगी एक्सपेरिमेंट में, तभी तेरी रीडिंग चेंज हो रही है, तो बोल गलती कितनी है। तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा देखो ऐसा है कि पहली रीडिंग में गलती है, मेरी ऑब्जर्वेशन टू थी और करेक्ट रीडिंग हम क्या मान रहे हैं टू, तो मेरी कोई गलती नहीं है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन 2.1 मैंने बोली, हाँ करेक्ट रीडिंग हम टू मान रहे हैं, तो कितनी गलती है 0.1 की। थर्ड में 2.2 माइनस 2 की, नेक्स्ट में 2 माइनस 2 की, 1.9 माइनस 2 की, 1.8 माइनस 2 की, ठीक हो गया। तो टीचर को बताया कि मेरी गलती है 0 पहली रीडिंग में, दूसरी में 0.1, 0.2, 0, माइनस 0.1, माइनस 0.2। टीचर ने बोला यार मेरे तू तो 100 कैलकुलेशन लेगा, तो मैं सारे तेरी गलतियां रीड करता रहूंगा, एक गलती बोल, एक वैल्यू बोल, तेरी एवरेज रीडिंग कितनी है, गलती तेरी एवरेज गलती कितनी है। तो मैंने भी क्या किया, इस सब का क्या कर दिया, एवरेज। तो हम जो एरर्स आए उनको भी क्या कर देंगे, एवरेज आउट। अब एवरेज आउट करने में एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई कि अगर पहली रीडिंग के अंदर एरर क्या है 0, दूसरे में 0.1, तीसरे में 0.2, 0, माइनस 0.1 एंड माइनस 0.2, तो टीचर ने कहा एवरेज कर इसकी और मुझे बता क्या एरर आया। मैंने जैसे ही इनको ऐड किया आंसर क्या आया, 0। मैंने कहा जी कोई गलती नहीं, क्या बात, शाबाश, कोई गलती नहीं, गलत गलत रीडिंग बताने के बाद कह रहे कोई गलती नहीं पूरे एक्सपेरिमेंट में, ऐसे कैसे। तो फिर जब मैंने देखा कि आधी गलतियां पॉजिटिव आधी नेगेटिव भरी पड़ी है गलतियां, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल ही हो गई, तो ये तो गलत बात हो गई ना यार, इतनी गलतियां करने के बाद आंसर 0 नहीं आ सकता था। तो क्या फैसला हुआ कि जब हम एवरेज लेंगे, हम मॉड लेंगे गलतियों का, मॉड समझते हो, मॉड का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, जैसे माइनस 3 का मॉड 3, माइनस 5 का मॉड 5, माइनस साइन को नहीं लेना, सिर्फ उसकी वैल्यू को लेना। तो हर जगह क्या लगा दिया, मॉड। तो इसका एवरेज निकाला गया 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 6, माइनस नहीं लेना। तो जितनी रीडिंग्स इनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स आंसर आया 0.1। तो ये मैं आंसर दूंगा कि मेरी इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो एवरेज गलती है, मेरी एवरेज एरर आ रहा है वो 0.1 है। 0.1 ज्यादा भी आ सकता है, 0.1 कम भी आ सकता है, कुछ भी। तो मेरा फाइनल आंसर होगा 2 इज माई करेक्ट रीडिंग एंड 0.1 उसके अंदर प्लस माइनस 0.1 उसमें एरर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम एरर्स की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और एक्चुअल नंबर्स हम एक्सपेरिमेंट में कैसे करते हैं, ठीक। कभी भी कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट होगा ना, उसके अंदर बहुत बड़ा सैंपल लिया जाता है। अगर कोविड की भी दवाई किसी ने बनाई है तो वो एक पेशेंट पे टेस्ट करके नहीं बनाएगी, एक पेशेंट ठीक हो गया जी बन गई दुनिया में दवाई आ गई है कोवैक्सीन, कितने पेशेंट्स को ट्रायल किया होगा, आपको पता है ट्रायल चल रहा था कोविड के अंदर, कितनी देर लगी दवाई बनने में, कितने सैंपल्स लिए होंगे लोगों के, उसके ऊपर ट्रायल किया। तो जितने सैंपल्स लोगे और जो एवरेज उसमें से आया वही उसका बेस्ट रिजल्ट माना जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन में तो दुनिया का कुछ हो गया, लेकिन एवरेज आउट अगर करें तो दुनिया ठीक हुई, तो माना गया कि दवाई ठीक है, इस सैंपल के ऊपर ये रिजल्ट है। तो नंबर ऑफ सैंपल जितने ज्यादा होंगे एरर होने का चांस उतना ही कम होगा, क्योंकि एवरेज आउट करके वैल्यूज ठीक हो जाती हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपकी बुक्स में कैसे लिखा होता है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन देखो। अब आपकी बुक्स, जब आप बुक्स पढ़ेंगे या कोई भी बुक पढ़ें, उसमें ना हर जगह डेल्टा 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 लिखा होता है, ये थोड़ा ना होगा, ये तो मेरा मन से बनाया हुआ एग्जाम्पल है। आपकी किताब की थ्योरी ऐसे स्टार्ट होती है, एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी रीडिंग आई A1, टू नहीं A1, सेकेंड ऑब्जर्व वो फिर से एक्सपेरिमेंट करता है, रीडिंग क्या आई A2, फिर से करता है A3 और N बार करता है तो AN। टीचर ने कहा करेक्ट रीडिंग क्या है, इन सब का क्या लिया जाएगा, एवरेज। एवरेज लेके क्या आ गया, मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू क्या मानी जाएगी, करेक्ट वैल्यू। सेम चीज बता रहा हूं, वो न्यूमेरिकली थी ये थ्योरी में, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो मीन वैल्यू क्या है, AM, और ये आपकी करेक्ट वैल्यू है। नेक्स्ट, किसी ने कहा इसकी गलतियां बताओ, एरर बताओ क्या है, तो एरर्स में क्या करेंगे, दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज करेक्ट वैल्यू, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू को माइनस किया तो पहला एरर आया, सेकंड में क्या आएगा एरर A2 माइनस AM, नेक्स्ट में क्या आएगा A3 माइनस AM, लास्ट में क्या आएगा AN माइनस AM, वही रूल जो भी कर रहे थे हम। अब उसमें तो न्यूमेरिकल था, उसमें वैल्यू दिख रही थी 0.1 0.2,
इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का चेंज निकाल रहे हैं, और चेंज को फिजिक्स में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय डेल्टा। तो ये क्या आएगा, डेल्टा ए वन, यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का चेंज है। नेक्स्ट में डेल्टा ए टू, नेक्स्ट में डेल्टा ए थ्री, और लास्ट में डेल्टा ए एन। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में दिस इज डेल्टा ए वन, दिस इज डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री कितने हैं 0.2, डेल्टा ए फोर कितने हैं 0। क्लियर है? और टीचर कहेगा कि इसकी एक 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 रीडिंग बताओ एरर की क्या है, तो मैं इन सब का क्या ले लूंगा, मीन। मीन लेके जो आंसर आएगा वो मेरा एवरेज मीन एरर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वही एग्जांपल है जो न्यूमेरिकल के साथ मैंने थ्योरी में बताया, क्योंकि आपकी बुक्स इस फॉर्म में लिखती हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है इसमें, ठीक है यहां तक। अब एरर्स को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं, मतलब अगर मैं आपको एरर बताना चाहता हूं तो मैं आपको तीन तरीके से एरर बता सकता हूं एक ऑब्जर्वेशन में। पहला तरीका है एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट मेथड इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, कि जो मैंने ऑब्जर्वेशन ली और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी उनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। जैसे ट्रू वैल्यू थी 2, एग्जैक्ट आना चाहिए था रिजल्ट 2, पर मैंने कितना मेजर किया 2.1, तो मैंने एरर कितना किया 2.1 माइनस 2 यानी कि 0.1, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एब्सोल्यूट एरर, जैसे ये जो मैं कर रहा था ना, ये पहला एब्सोल्यूट एरर है, पहली रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है, ये दूसरी रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है, ये तीसरी रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है, ये सारे के सारे क्या हैं, एब्सोल्यूट एरर्स हैं, क्योंकि मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं ऑब्जर्व्ड वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का। ठीक, तो इसमें इन दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा टर्म यूज करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में हम चेंज निकालते हैं एंड चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्म डेल्टा। तो जैसे फर्स्ट रीडिंग में ए वन माइनस करेक्ट वैल्यू ए एम इज डेल्टा ए वन, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर बड़ा सिंपल है, कैसे निकालेंगे, दोनों वैल्यूज का डिफरेंस, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है, जो डिफरेंस आएगा वो एब्सोल्यूट एरर है। कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट है, जैसे एक स्टूडेंट मुझे ऑब्जर्वेशन बताता है कि मैंने जी एक बेंच की लेंथ मेजर की है, मैंने कहा कितनी की है, कहते हैं 2 ± 0.1। भाई ट्रू वैल्यू तो उसकी 2 है, 2 उसकी करेक्ट वैल्यू है, लेकिन 0.1 ज्यादा 0.1 कम भी हो सकती है, यानी कि उसने कुछ एरर किया होगा तभी ये वैल्यू बता रहा है मुझे। तो 2 को क्या माना जाएगा, ट्रू या करेक्ट वैल्यू, और 0.1 को क्या माना जाएगा, उसका एब्सोल्यूट एरर। जो पीछे नंबर लगा होता है प्लस माइनस, ये हमेशा कौन सा एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर। तो जैसे 2 ± 0.1, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ए के साथ, मान लो ये नंबर ए है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डेल्टा ए, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर के आगे क्या लगता है, डेल्टा। तो अगर ये ए है तो ये डेल्टा ए, अगर मैं इसका नाम बी रखता तो इसका नाम डेल्टा बी, अगर मैं सी रखता तो डेल्टा सी, कुछ भी रख सकते हो। क्लियर यहां तक? तो एब्सोल्यूट एरर्स में अगर आपको कोई ऐसी टर्म गिवन है तो एब्सोल्यूट एरर में ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए है और ये डेल्टा ए है, तो पहली टर्म करेक्ट वैल्यू होगी और दूसरी टर्म क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर होगा। तो ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहां तक। अब जो दूसरे टाइप का एरर है रिप्रेजेंट जो हमने करना है, उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर क्या है, देखो सपोज एक रीडिंग मेरे को क्या दी गई, 2 ± 0.1, ठीक है यहां तक। तो 2 कौन सी वैल्यू है इसकी, करेक्ट वैल्यू है, 0.1 कौन सा एरर है इसका, एब्सोल्यूट एरर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, एब्सोल्यूट एरर है। 0.1 कौन सा एरर है, 2 क्या है, 2 2
करेक्ट वैल्यू है, 0.1 एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है यहां तक। तो अगर मैं एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दूं, फ्रैक्शन आएगा ये, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, सिंपल। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, जैसे ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर है, ए करेक्ट वैल्यू है, तो अगर मैं डेल्टा ए को ए से डिवाइड कर दूं तो कौन सा एरर आएगा, रिलेटिव एरर। जैसे आपको कैलकुलेशन क्या गिवन है, 2 प्लस माइनस 0.1, तो इसका रिलेटिव एरर क्या आएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये क्या है ए और ये क्या है इसका एरर डेल्टा ए। तो एब्सोल्यूट एरर लिखने का तरीका क्या है, रिलेटिव एरर लिखने का तरीका क्या है, डेल्टा ए को ए से डिवाइड कर देना है। अब एक स्टूडेंट कहता है कि ये काम क्यों नहीं करते, ए से ए कट गया और क्या बच गया, डेल्टा। मैंने कहा अच्छा करके देख लेते हैं, ए से ए कट गया तो क्या बचा, डेल्टा। तो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है, डेल्टा ए का मतलब है चेंज इन वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ए। तो वो कह रहा है कि देखो जी ये कट गया और क्या बच गया, सिर्फ चेंज। भाई किसमें चेंज, चेंज क्या होता है, अकेला चेंज नहीं, चेंज इन ए, चेंज इन बी, चेंज इन सी, किसी मेजरमेंट का चेंज ना, तो आप इसको काट नहीं सकते हो। इसमें डेल्टा ए की वैल्यू पूरी की पूरी 0.1 है, डेल्टा ए एक टर्म है। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो पहला तरीका जिससे एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो कौन सा, एब्सोल्यूट एरर, पहला तरीका क्लियर है। दूसरा तरीका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो पहला तरीका एब्सोल्यूट एरर, दूसरा तरीका रिलेटिव एरर, तीसरा तरीका परसेंटेज एरर। ये बड़ा आसान है, आप रिलेटिव एरर निकालो उसको, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन में है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ गया। जैसे ये ऑब्जर्वेशन है, तो अगर आप एब्सोल्यूट एरर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर, सिंपल। क्लियर है? तो ये तीन तरीके हैं जिससे कि एरर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। कोई डाउट इसमें, तो आपने कॉपी में लिख सकते हो, सिर्फ इसका नाम लिखना है आपने और एग्जांपल लिखना है। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर लिखो, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर लिखो, और उसके बाद परसेंटेज एरर। तो तीन लाइनें लिखनी है आपने, और जिसके अंदर एब्सोल्यूट एरर में कोई भी एग्जांपल लिख लो, शीट आपके पास है, ऐसे ही रिलेटिव एरर में और वैसे ही परसेंटेज में, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। हो सके एक ना रजिस्टर लगा लेना, फॉर्मूला रजिस्टर, फॉर्मूला रजिस्टर पतला सा लगा लेना, उसमें जो भी आप रोज करें उसका, जो भी आप फॉर्मूला सीखें वो फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है। ये आपको अजीब लग रहा होगा कि यार दो फॉर्मूले हैं क्या लिखने, उसमें जाके आप प्लस वन प्लस टू मिला के 500-700 फॉर्मूले इकट्ठे तैयार हो जाएंगे, और 2 साल में जब फाइनल 2 साल का सिलेबस आता है ना, चाहे कॉम्पिटिशन हो या कुछ भी हो, तो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स रिवाइज नहीं कर सकते प्लस वन प्लस टू। तो आप फॉर्मूला रजिस्टर में जो पॉइंट्स लिखा करेंगे रोज, वही आपके काम आएगा, और वो करके आप सीधा पेपर में बैठ सकते हैं। आप अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत सारी किताबों में से रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, राइट? तो ये आपने रोज मेंटेन करना ही करना है। वैसे एक बात बता देता हूँ, प्लस टू के स्टूडेंट क्लास में लेके आते हैं फॉर्मूला रजिस्टर, जैसे एक फॉर्मूला करते हैं फटाफट उसमें रेड और ब्लू पेन से फटाफट फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, उनको स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक क्लास में कितने फॉर्मूले कर लोगे, 4, इससे ऊपर तो क्या ही करोगे, वो 4 के 4 डेली वही नोट कर लेते हैं। तो हो सके तो एक रजिस्टर साथ में रख लिया करो, जैसी फॉर्मूला किया करो उसमें फॉर्मूला जरूर नोट कर लो, ठीक है? आज नहीं काम आएगा, आप देखना 1 साल के बाद और 2 साल के बाद वही काम आएगा, ठीक है? तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब ये जो चैप्टर है, अच्छा कई बार एरर ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे अगर मैं लिखूं 2 प्लस माइनस 0.1, तो मैंने क्या सिखाया था, 2 इज दी कौन सी वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, और ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर है। कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 5%, 2 का मतलब
करेक्ट वैल्यू, 5% का मतलब कौन सा एरर है, परसेंटेज एरर है, ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। तो ये क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि वो एब्सोल्यूट एरर दे रहा है आपको या परसेंटेज दे रहा है, उसकी मर्जी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब ये चैप्टर के अंदर जो हमने अभी किया उसके बेस पे आपने ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है, उसकी पहली ऑब्जर्वेशन क्या आती है, 1.45, दूसरी 1.56, तीसरी 1.54, ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं। आपको पहला आंसर क्या निकालना है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मीन क्या है। दूसरा निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, कि जो वो एरर्स करेगा उसका मीन क्या है, और फिर क्या निकालना है उसका फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर। इन चारों पार्ट में से दो पार्ट गलत है, मतलब मैंने आंसर गलत लिखा हुआ है, चेक करके बताएं कौन सा गलत है, सारे पार्ट करें। ये लो, देखो ना पहली वाली तो ठीक है, ओके। तो पहले टेबल बनाना पड़ेगा आपको इसमें कुछ ऐसे, जैसे पहली रीडिंग है 1.45, इसके नीचे 1.56, 1.54, 1.44, 1.54, ये लो। फिर वो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी क्या निकलेगी, एवरेज, मीन निकाल लो इसका। मीन कैसे निकलेगा, सभी को ऐड करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से डिवाइड, कितना आंसर आ रहा है, 1.51, ठीक है, इसका मतलब चलो कम से कम पहला आंसर तो ठीक है 1.51। अब हर ऑब्जर्वेशन में एरर निकाल लो और फिर उनका एवरेज लो। तो आप इसमें एरर्स कैसे निकालेंगे, पहले आप क्या करेंगे 1.45 माइनस 1.51, क्योंकि करेक्ट वैल्यू है 1.51। दूसरे में एरर क्या आएगा, 1.56, 1.51, 1.54, 1.51, 1.44, 1.51, ऐसी 1.54, 1.51, 1.53, 1.51, मॉड लगाना है क्योंकि ओनली पॉजिटिव वैल्यूज टू बी कंसिडर्ड,
जो भी आएगा उसकी सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज को लें और फिर उनका एवरेज निकाल लें, एवरेज आएगा 0.04। यहां तक करेक्ट है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक दो आंसर सही आएंगे इसके। तो कैसे करने समझ में आ रहा है? तो पहली, क्योंकि आपको निकालना क्या है, एब्सोल्यूट एरर नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि ये सारे के सारे डिफरेंसेस हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर्स हैं। ये भी एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट, 6 एब्सोल्यूट एरर है। उसने मीन एब्सोल्यूट पूछा तो सारे एब्सोल्यूट एरर का क्या पूछ रहा है, मीन, मीन का मतलब एवरेज, तो जो कि क्या आएगा 0.04। दूसरा आंसर करेक्ट है। अब टीचर को क्या बोलोगे कि मेरा आंसर क्या आया? टीचर को बोलोगे मेरा आंसर आया 1.51 प्लस माइनस 0.04। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ये करेक्ट, ये फाइनल आंसर यही होगा। अब इसको देखते हुए निकालो रिलेटिव एरर क्या है, कैसे निकलेगा, 0.04 डिवाइडेड बाय 1.51। ये तरीका पता था रिलेटिव एरर निकालने का, कि आप जो एरर आ रहा है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, उसको करेक्ट वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड। इसको सॉल्व करके ये आंसर नहीं आएगा, क्या आ रहा है ये चेक करो। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? मेथड क्लियर है? तो आपने टीचर को ये बोला है कि ये रीडिंग है और रिलेटिव एरर में इसको इससे क्या कर देना है, डिवाइड। एक जीरो ज्यादा आ रहा है इसमें, 0.004 आ रहा है क्या? मुझे तो 0.04 आ रहा होगा यार। चैनल 100 से मल्टीप्लाई से रिलेटिव को, रिलेटिव नहीं, 0.04 आ रहा है इसमें, ये डिवाइड करके इसका आंसर बोल रहे हो? अच्छा, इसका आंसर 0.026 आ रहा होगा शायद, फिर 0.026 ऐसे आएगा। पर आपको मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया? मेथड पे फोकस करो, मेथड समझ में आ रहा है कि आपने इस वैल्यू को इससे क्या कर दिया, डिवाइड। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, जो भी रिलेटिव एरर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई। तो जब आप परसेंटेज एरर निकालेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 2.6%, 2.6% 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो पहला रूल, कैलकुलेशन लिखो, सही वैल्यू निकालो, एब्सोल्यूट एरर्स निकालो, एवरेज वैल्यू निकालो एरर की। इसमें अप्रोक्सीमेटली, फिर एरर चैप्टर में लोग कहेंगे तुम एक और एरर कर रहे हो, पहले तो एरर ठीक कर रहे हो, फिर एरर ठीक करने के बाद आप लोग अप्रोक्सीमेट करके फिर एक और ह्यूमन एरर कर रहे हो। नहीं, इस चैप्टर में नहीं करना, इस चैप्टर में तो जैसे है वैसे ही रखना यार। अप्रोक्सीमेट कर दिया फिर तो ह्यूमन एरर हो गया, आपने फिर गलती कर दी। एक्चुअली कैलकुलेशन ऐसी आती नहीं है, एरर्स का जो चैप्टर है वो इतना, ऐसा थ्योरी में इतना नहीं है जितना मैंने, मतलब इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, लेकिन इसका न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी हैं। मैं आपको अभी रूल बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है इसकी। तो उसमें ना कुछ चार फॉर्मूलाज आएंगे, अभी तो फॉर्मूलाज नहीं आए, वो चार फॉर्मूलाज बेस पे सारा चैप्टर चलेगा। बस वो फॉर्मूला नोट करेंगे, दो आज नोट करेंगे, दो अगली बार करेंगे, फिर इधर एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक। उनमें से दो तो अभी करके भी दिखाऊंगा। तो इस टाइप का कॉन्स्टेंट एरर नहीं आता, पर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। फिर आखिरी पार्ट में बताऊँ क्या कह रहे हैं, कि एक्सप्रेस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में करेक्ट वैल्यू 1.51 प्लस माइनस 0.04, ये रहा, यही आंसर आया था एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में। और परसेंटेज की फॉर्म में आंसर क्या आएगा, 1.51 प्लस माइनस 2.6%। उसने कहा अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो ऐसे लिखना है एब्सोल्यूट और ऐसे लिखना है परसेंटेज। कहाँ पे लिया मैंने 3.6, यही तो लिया मैंने।
अब एक्चुअल में ये चैप्टर ना यहां से स्टार्ट है। ये तो इंट्रोडक्शन थी कि एरर हो गया जी, एरर हो गया क्यों हो गया यार, हमें कोई मतलब ही नहीं एरर क्यों हो गया, क्योंकि एरर एक बार कैलकुलेशन में आ गया, अब उसने तो आना ही है, अब उस एरर का करना क्या है ये चैप्टर उसमें डील करता है। तो ये जो मैंने अभी तक बताया ये तो बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताया कि देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव, या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज। अब हमने क्या करना है, सपोज करो एक स्टूडेंट है वो इस बेंच की लेंथ मेजर करता है और उस बेंच की भी लेंथ मेजर करता है, तो मैंने पूछा कि ठीक है तू एक काम कर टोटल लेंथ बता दोनों बेंचेस की कितनी है, तो वो स्टूडेंट कहता है कि देखो इस पहले बेंच की रीडिंग जो है वो 2 है। मैंने कहा कोई एरर, कहता कोई एरर नहीं। मैंने कहा ठीक है दूसरे बेंच की रीडिंग क्या है, कहता 3 मीटर है। मैंने कहा ठीक तो टोटल लेंथ कितनी है, उसने बोला 5 मीटर है। ये तो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी कर लेगा, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ठीक है अगर कोई एरर नहीं है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उसने मेरे को रीडिंग बताई कि रीडिंग आई 2 ± 0.1। वो कहता देखो जी 2 मीटर है लेकिन गलती आई है इसमें, 0.1 की गलती ज्यादा कम हो सकती है। मैंने कहा दूसरा बेंच, वो कहता है 3 ± 0.1। मैंने कहा ठीक है ओके। अब मैंने कहा टोटल लेंथ बोल, अब टोटल लेंथ में अगर एरर ना होता तो करेक्ट वैल्यू 2 में करेक्ट वैल्यू 3 ऐड करते तो करेक्ट वैल्यू क्या आती, 5। ये तो 5 आना ही आना है, ये तो आना ही आना है 5। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 5 कैलकुलेट करके हम खुश हो गए, ये तो बता तो रहा हूं, तो कोई भी कर देगा कैलकुलेट, पीछे जो एरर्स है उनका क्या करना है। उसने कहा एक काम करो जी एरर्स को ऐड कर दो। मैंने कहा ठीक है 0.1 और 0.1 ऐड हो गया, कितना हो गया 0.2। तो टोटल आंसर क्या हुआ मेरा, टोटल लेंथ करेक्ट कितनी है 5, लेकिन उसमें एरर कितना है 0.2। 0.2 क्यों आया, क्योंकि दोनों कैलकुलेशन के एरर आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, नंबर्स भी ऐड हो गए करेक्ट और कैलकुलेशन भी ऐड हो गई। तो इस चैप्टर में करेक्ट वैल्यूज का अलग अलग कैलकुलेशन करना है, एरर्स की अलग कैलकुलेशन होनी है। तो पहला आंसर क्लियर है। अब उस स्टूडेंट को मैंने कहा एक काम कर तू इनको ना माइनस कर दे लेंथ को। वो कहता ये लो माइनस लो, पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग, अगर एरर ना होता तो करेक्ट वैल्यू 2 में से करेक्ट वैल्यू 3 गई तो आंसर क्या आ गया माइनस। देखो -1 तो आना ही आना है। मैंने कहा ये मत बता -1 आंसर है, तू बता एरर का तूने क्या किया। कहता एरर का क्या करना, 0.1 में से 0.1 गया तो आंसर इज 0। मैंने कहा क्या बात, कैसे कि दो कैलकुलेशंस की और दोनों गलत की और फिर मुझे रिजल्ट बता रहे हो सही, दो गलत कैलकुलेशंस कभी सही रिजल्ट दे ही नहीं सकती। अब प्रॉब्लम यहां पर आ गई, 0 लिख दूंगा तो यानी कि गलतियां करते रहो माइनस होती रहेंगी और आंसर सही आ जाएगा, ये तो कभी नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा ये चैप्टर आपको बताएगा, क्योंकि ये तो आप करेक्ट वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू माइनस कर ही लेंगे, पर यहां पे क्या होगा ये चैप्टर आपको बताएगा। अब सेम क्वेश्चन पूछा, चल इन्हें मल्टीप्लाई कर दे, अगर एरर ना होता 2 × 3 = 6 तो पक्का आने ही आने। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम कर एरर्स का क्या करें, कहता मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा कैसे, 0.1 × 0.1 क्या होता है 0.01। मैंने कहा ये सही है, एक टेबल में कैलकुलेशन 0.1, दूसरे में एरर 0.1, और जब मल्टीप्लाई किया तो एरर बढ़ने की बजाय 0.01 एरर कम हो गया। ये तो लॉजिक ही नहीं बैठा, तो पता नहीं क्या आएगा। और ऐसे ही ये तो जबरदस्त था, मैंने कहा डिवाइड कर दे। कहता अगर एरर नहीं है 2/3 हो गया। मैंने कहा एरर का क्या करें, कहता डिवाइड कर दो, 0.1 से 0.1 डिवाइड किया तो 1, मतलब कि 2/3 मीटर की तो लेंथ है, 2/3 मीटर के साथ एरर कितना है 1। कोई लॉजिक ही नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहां भी क्या आएगा पता नहीं, हाँ बस एक ही पता है एडिशन में एरर्स ऐड हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो ये चैप्टर 4 ऑपरेशंस का फॉर्मूला देगा आपको सिंपल, कि अगर आप 2 कैलकुलेशंस को ऐड करते हैं तो उनके एरर्स का क्या करना है, ऐड करना है। अगर आप 2 कैलकुलेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर्स का क्या करना है अभी बताऊंगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर्स को कैसे हैंडल करना है और डिवीजन में कैसे हैंडल करना है, 4 ऑपरेशंस हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है। जो ऊपर कर रहे थे वो थ्योरी थी, अब जो करेंगे वो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, इसके फॉर्मूला ड्राइव होंगे और फिर इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम होगी, राइट।
तो ये जो इसके प्रूफ्स मैंने लिखे हुए हैं कि एडिशन, कि मान लो पहला ऑपरेशन है एडिशन में क्या करना है, ये प्रूफ भी पेपर में नहीं आते, तो ये भी आपको लिख लिख के याद या पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको कोई याद नहीं करना, कोई आपसे पूछेगा नहीं। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सीधा बता दूंगा कि यार ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा जेड डेल्टा ए डेल्टा भी, आपको क्या डेल्टा डेल्टा करते रहते हो, समझ नहीं आया क्या हो गया ये, तो मैं आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए प्रूफ दिखाऊंगा एक बार कि देखो ऐसे प्रूफ आया, आप भी कहोगे ठीक है यार मैंने देख रखा है, ताकि रिजल्ट को अडॉप्ट किया जा सके, नहीं तो आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे रिजल्ट। सीधे फॉर्मूला लिखवाने से आपको अजीब लगेगा ये कैसी फिजिक्स है, चार फॉर्मूले लिखवाए उसको अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला कहाँ से आया पता ही नहीं, तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। और दूसरा, बुक्स अगर आप पढ़ते हैं या पुराने पेपर सॉल्व करते हैं उसे सॉल्यूशंस आपको रीड करने आने चाहिए, क्योंकि उनमें ये टर्म्स यूज होंगी, अगर आपको रीड नहीं करना आएगा आपको फिर अजीब लगेगा कि ये पता नहीं क्या लिखे जा रहा है, तो आपको थोरो हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं लिखवा रहा आपको, प्रूफ आपको लिख के दिए हैं क्योंकि आपको देखने हैं, क्या लिखना है वो अभी लिखवाऊंगा आपको फॉर्मूला ओनली, पहले आप सिर्फ इसका एडिशन का प्रूफ देखें। देखो ये ध्यान से देखना है, अगर मैं कोई आपको करेक्ट वैल्यू दूं ए बिना एरर के और करेक्ट वैल्यू दूं बी बिना एरर के, आप सिंपली ऐड कर देंगे और आंसर भी एब्सोल्यूटली करेक्ट आएगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो मान ले करेक्ट वैल्यू ऑफ ए में करेक्ट वैल्यू ऑफ बी ऐड की तो करेक्ट वैल्यू ऑफ जेड आ गई, बात हो गई खत्म। लेकिन अगर मैं आपको ए में एरर दूं एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, तो मैंने क्या आपको रीडिंग दी ए प्लस माइनस डेल्टा ए एरर के साथ दिया, और बी भी मैंने आपको एरर के साथ दिया, तो 100% है जेड भी करेक्ट नहीं आएगा, जेड में भी क्या आएगा एरर आएगा। तो ये ए का एब्सोल्यूट एरर है, ये बी का एब्सोल्यूट एरर है, और ये आंसर जेड का एब्सोल्यूट एरर है। कोई डाउट इसमें भाई, बिना एरर के करेक्ट वैल्यू एरर के साथ एरर आ गया, क्लियर यहां तक? ठीक, अब ध्यान से देखना, इसे ओपन कर रहा हूं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, प्लस माइनस कॉमन आ गया डेल्टा ए और डेल्टा बी एक ब्रैकेट में कर दिया। ए प्लस बी किसके इक्वल है जेड, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया जेड, जेड माइनस जेड जीरो, प्लस माइनस कैंसल, आंसर आ गया डेल्टा जेड इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब कि अगर आप मुझे करेक्ट वैल्यूज देंगे ए और बी की तो मैं आपको करेक्ट वैल्यू ऑफ जेड दूंगा, लेकिन उनके एरर्स कैसे ऐड होंगे, ए का एरर अगर डेल्टा ए है, बी के अंदर एरर अगर डेल्टा बी है, तो जेड का जो एरर होगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के इक्वल होगा, यानी कि एब्सोल्यूट एरर दोनों के क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आप कॉपी में लिखें एडिशन, लिखें फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन, एडिशन के अंदर आप ये फॉर्मूला लिखें, एक ये वाला ऐसे लिखें, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, कि अगर करेक्ट वैल्यू है करेक्ट वैल्यू ऑफ बी तो करेक्ट वैल्यू ऑफ जेड, तो एरर्स में ये लिख लें डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑपरेशन में आप ये लिखें, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस प्रूफ नहीं आ रहा, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए कि क्या बनाया मैंने। क्या पॉइंट क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है पेपर में ये देख लें। सिंपल है कि अगर आपको एक ऑब्जर्वेशन दी हुई है 2 ± 0.1, दूसरी 3 ± 0.1, तो हमने ये देख तो लिया वैसे प्रूफ में कि एरर्स एब्सोल्यूट आपस में ऐड हो जाते हैं, प्रूफ करवा दिया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 और 3 करेक्ट वैल्यू क्या देगी 5, और एब्सोल्यूट एरर भी ऐड होके आंसर क्या देंगे 0.2। लेकिन जो मैंने करवाया उस फॉर्म में, अगर मैं इसे ए मान लूं तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए, मैं अगर इसे बी मान लूं तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा बी, और आंसर क्या होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड किसके इक्वल है फॉर्मूले में, ए प्लस बी, तो कितना आ गया 2 + 3 = 5, और डेल्टा जेड किसके इक्वल है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि 0.1 और 0.1 मिला के 0.2 आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक? तो जेड का फॉर्मूला अलग चल रहा है, डेल्टा जेड का फॉर्मूला अलग चल रहा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं एडिशन में कि जेड, क्योंकि फाइनल आंसर ऐसे लिखना है, तो जेड का फॉर्मूला ए इंटू बी लिखा आपने, चेक करो ये लिखा ना,
और डेल्टा जेड का फॉर्मूला डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। पर ये ए और बी क्या होते हैं, ये आपको खुद नाम देने हैं, ए डेल्टा ए बी डेल्टा बी। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है? ठीक, सपोज करो दो वायर्स हैं, एक की रेजिस्टेंस 100 प्लस माइनस 3 है और दूसरे की 200 प्लस माइनस 4 है। तो एक की रेजिस्टेंस 100 प्लस माइनस 3 ओम है और दूसरे की कितनी है, 400 प्लस माइनस कितने, कितना 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में हैं तो फाइनल आंसर क्या होगा ये बताओ। सीरीज में दोनों रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं, ऐड, तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका। कितने लोग बोलते हैं 500 प्लस माइनस, कितने लोग ये बोलते हैं, सही है, क्योंकि जब ऐड करेंगे रेजिस्टेंसेस तो करेक्ट वैल्यू में करेक्ट वैल्यू तो ऐड होनी ही है। और हमने क्या देखा कि अगर दो इनकरेक्ट वैल्यूज भी ऐड कर रहे हैं तो उनके एरर्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और टेक्निकली ऐसे कर सकते हो कि अगर ये R1 है तो ये डेल्टा R1 है, अगर ये R2 है तो ये डेल्टा R2 है। ठीक है, और मेरे को आंसर क्या देना है, सीरीज का मुझे ये देना है विद एरर। तो मान लो आंसर RS आता है और प्लस माइनस डेल्टा RS। अब सीरीज के अंदर RS का फॉर्मूला होता क्या है, R1 प्लस R2। तो ये जो RS है वो किसके इक्वल है, R1 प्लस R2, और डेल्टा RS किसके इक्वल होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, राइट, सही है। तो R1 प्लस R2 सबको पता है 100 और 400 500, और डेल्टा R1 डेल्टा R2 में क्या आ जाएगा, 7। तो 500 प्लस माइनस 7। आइडिया समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है, एरर्स को ऐड कर देना है बस। पर आपको ये वे ऑफ जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ए डेल्टा ए, ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, ठीक। वैसे तो मुझे पता ही है यार, इसमें करना ही कुछ नहीं है, करेक्ट वैल्यू को करेक्ट वैल्यू में ऐड कर देनी है, एरर को एरर में ऐड, आंसर हो गया, ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट कैसे ये डेल्टा ए डेल्टा आर वन ये समझ में आ रहा है। अब जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन के बाद लिखो सब्ट्रैक्शन, सेकेंड पॉइंट है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के अंदर प्रूफ तो नहीं लिखना, पहले सुन लो फिर जो लिखना है भी लिखवाता हूं। सपोज करो अगर आप मुझे करेक्ट वैल्यू ऑफ ए देते हैं, करेक्ट वैल्यू ऑफ बी देते हैं और मुझे दोनों को माइनस करने को देते हैं तो आंसर भी करेक्ट आएगा जेड, कोई एरर नहीं आएगा, क्लियर है। पर अगर आप मुझे ए में एरर देते हैं डेल्टा ए, अगर आप मुझे बी में एरर देते हैं डेल्टा बी, तो 100% इनको माइनस करने के बाद एरर आएगा। तो जेड में भी क्या एरर आ गया, डेल्टा जेड। क्या ये स्टेप क्लियर है, बिना गलती के तो जेड और गलती गलती के साथ यहां भी गलती आएगी। अब कैलकुलेशन ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने ओपन किया ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, प्लस माइनस कन्वर्ट हो गया माइनस प्लस में, माइनस साइन है ना, ये रिजल्ट क्लियर है यहां तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस की माइनस कुछ भी, या प्लस या माइनस, वी आर नॉट श्योर। माइनस प्लस का मतलब क्या होता है, कुछ भी, या माइनस या प्लस, अगेन नॉट श्योर। तो एक्चुअल में प्लस माइनस और माइनस प्लस में कोई फर्क होता ही नहीं, क्योंकि अगर पता होता प्लस है तो दोनों जगह प्लस ना लगा देते, पता ही नहीं, इसलिए प्लस माइनस एक ही बात है। इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ए माइनस बी यहां पर क्या है, जेड, तो जेड पुट कर दिया, जेड माइनस जेड जीरो, प्लस माइनस गया आंसर। तो लिखो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लिखो सब्ट्रैक्शन में, इफ जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये वाला, तो एरर्स में ये वाला फॉर्मूला, उनके एब्सोल्यूट एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इधर भी एब्सोल्यूट एरर क्या होंगे, ऐड होंगे, एडिशन में भी ऐड होंगे, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड ही होंगे, लेकिन एक्चुअल नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा भाई, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा एक्चुअल नंबर पर, एरर्स ऐड होंगे। तो गलती और गलती, बड़ी गलती, ऐड ही होगा।
और मजे की बात पता है क्या है, एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं। अगर भूल भी जाओ ना कि क्या फॉर्मूला है, ऐड ही करने हैं, बात ही खत्म है। एंड रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया है इसका, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं, एरर गलती और गलती माइनस करके जीरो देती नहीं है, तो गलती प्लस गलती बड़ी गलती, तो इसमें माइनस कभी आएगा ही नहीं, बात ही खत्म, अभी पता लग जाएगा आपको। इसलिए कह रहा हूँ बहुत मुश्किल नहीं है, कि अल्टीमेटली सुनने में बहुत बड़ा है, करने में तो दो फॉर्मूला ही है। करने में न्यूमेरिकल में क्या आना है, कुछ भी नहीं, आपको दिया जाएगा एक रीडिंग दूसरी रीडिंग, कहेगा दोनों को माइनस कर दो, सिंपल तरीके से करेक्ट रीडिंग में से करेक्ट रीडिंग माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन, ये तो आना ही आना है। पर एरर्स की कैलकुलेशन अलग चलती हैं, एरर्स माइनस नहीं होते, एरर्स क्या होंगे, ऐड। तो कौन से एरर्स, एब्सोल्यूट एरर, इनके आपस में ऐड हो जाएंगे। और फिजिक्स का तरीका क्या है, इसको मन में मान लें ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको मान लें बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और आंसर क्या निकालना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या लिखवाया, जेड किसके इक्वल है, ए माइनस बी, और डेल्टा जेड का फॉर्मूला क्या करवाया, डेल्टा ए प्लस, तो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, तो ए माइनस बी माइनस वन और डेल्टा ए डेल्टा बी पॉइंट टू, सही है। तो दोनों फॉर्मूला लिख लिए, एडिशन के भी और सब्ट्रैक्ट, कुछ नहीं याद रहेगा, वो फॉर्मूला तो याद रहेंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली काम कर देना, ठीक। तो जैसे दो मासेज हैं, एक मास है 23.7 इतने ग्राम्स, दूसरा इतने ग्राम्स, आपको सब्ट्रैक्शन या सब लिखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ मासेज निकालना है, इन दोनों मासेज को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो आप इसमें से इसे क्या करेंगे, माइनस। तो सिंपल तरीका क्या है, अगर ओरली करना है तो करेक्ट वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू को क्या करना है, माइनस, लेकिन एब्सोल्यूट एरर को एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है, प्लस। तो आपके सामने ही है, इसमें से इसे माइनस करना है और इसे प्लस करना है। और जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया, अगर फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं तो मान लो ये ए है, ये प्लस माइनस डेल्टा ए है, ये बी है, ये प्लस माइनस डेल्टा बी है, तो आंसर आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो मैंने सब्ट्रैक्शन में क्या करवाया, जेड क्या है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर दो, और डेल्टा जेड क्या करवाया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ऐड कर दो, सिंपल, क्लियर यहां तक। तो ये आपका फाइनल आंसर है, कोई डाउट इसमें।